हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम ओनाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केम ती अच्छन्ति की खबोर नमस्तु भ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल मई 2023 के बारे में कि जितने भी व्यक्ति हैं और अगर वो कन्या राशि के हैं, कन्या राशि के लोग हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए अगर एक शब्दों में कहूँ तो ये महीना बड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कन्या राशि फल मई 2023 इस वीडियो को देखने के बाद खुद से पढ़ना भी चाहते हैं, एक दूसरा नज़रिया भी चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उस पर मैं जा करके क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें हमने ग्रहों के अलग अलग स्थिति के अनुसार बताया है, उसमें हमने आपको लिख करके बताया है कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, विभिन्न विभिन्न तरह के और सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें हमने आपको लिख के बताया। लेकिन ये समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सच्चाई यही है। वैसे जन्म कुंडली में अगर बढ़िया समय चल रहा होगा तो ये गोचर का विपरीत समय आपका बालवा का भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मुश्किल से 10-20% आपको परेशान कर दें। लेकिन अगर देवी और सज्जनों, जन्म कुंडली में भी समय विपरीत चल रहा होगा और यहाँ भी समय विपरीत चल रहा है, तब इस महीने में आपको तबाही मचा देगा, ये बहुत परेशान करेगा, बहुत तबाह करेगा। एक एक करके समझेंगे सभी ग्रहों के बारे में। लेकिन देवी और सज्जनों, सबसे पहले ये जान लें कि आपकी जन्म राशि कन्या है या नहीं। आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लें, इसी प्रकार की कुंडली होगी। आप देखें कि कुंडली के प्रथम भाव में 6 लिखा हुआ है क्या। अगर 6 लिखा हुआ होगा तो आपका जन्म लग्न कन्या हुआ, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सूटेबल होगी। अगर 6 नहीं लिखा हुआ है तब आप देखें कि क्या जहां पर में चंद्र लिखा हुआ है वहां पर में 6 है क्या। अगर है तो आपकी राशि कन्या हुई, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। अगर नाम राशि से आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, भाई बंधु हैं, जिनके पास जो है सो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म कुंडली, इन सब की जानकारी नहीं है, तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर है टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य ष, वरी नौ, ठ, पे, पो, इस सब में से अगर किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों, आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। आप देख रहे हैं खुद ही, जो लोग थोड़ा सा भी ज्योतिष के जानकार होंगे, लोग कहने के लिए ऐसे अलग बातें कर दें, लोग कहने के लिए आपको खुश करने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन मेरा वो प्रयास नहीं होगा। आप देखें कि कुंडली के द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया परिणाम देगा, क्या देगा वो आगे बताऊँगा। कुंडली के छठे भाव में शनि बैठा हुआ है कुंभ राशि में, ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ये भी परेशान करेगा। कुंडली के अष्टम भाव में देखें कि सूर्य, बुध, गुरु, राहु चार चार ग्रह बैठे हुए हैं, ये भी आपको परेशान करेंगे चारों। उसके बाद सूर्य कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे तो कुछ लाभ आपको दे पाएंगे। कुंडली के दसम भाव में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, बढ़िया है। वो भी 10 मई के बाद जब मंगल चले जाएंगे एकादश भाव में तो वो आपको नीच का है, एकादश भाव में तो वो आपको परेशान करेगा। क्या कैसे मिलेगा आइए एक एक करके समझते हैं। आपको खुश करने का प्रयास ना करते हुए थोड़ी सी कड़वी सच्चाई से बात करता हूँ, थोड़ा सा कलेजा मजबूत करके मेरी बातों को सुनना और घबराना नहीं, क्योंकि मैं सबका उपाय भी बताऊंगा कि क्या करना है इस महीने में, लेकिन सच्चाई से अवगत करवाता हूं। इसलिए मैं जो जो बातें कर रहा हूं उन सबको अपने दिमाग में फिट करते जाना है और जितनी निगेटिव बातें कहूंगा उन सब से सतर्क रहने का प्रयास करना है। देवी और सज्जनों, 14 मई तक सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, उच्च के हैं लेकिन फिर भी अष्टम भाव में रहेंगे। कहते हैं कि अष्टम भाव में जब सूर्य आ जाता है
तो व्यक्ति को अपने किए गए बुरे कर्मों का फल उतने समय में मिलता है। 14 मई तक सूर्य यहाँ पर में कुंडली के अष्टम भाव में है, तो आपके द्वारा किए गए जो पहले बुरे कर्म हैं उसका फल आपको इस समय में मिलेगा। शत्रुओं से झगड़ा होता है, दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है इस समय में। आपके लिए बता दूं कि महर्षि का कहना है कि शारीरिक पीड़ा भी आपको इस समय में परेशान कर सकती है। हेल्थ वाइज इशू, शारीरिक इशू, शारीरिक समस्या आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति को भी बवासीर, अपच, पाइल्स इत्यादि की समस्या है अथवा ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार कोई लक्षण दिख रहा है, तो वो लोग बिल्कुल खान पान पर में सतर्कता बरतें, क्योंकि उन लोगों को इस प्रकार की समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में हो सकता है तो आपके ऊपर में केस मुकदमा हो जाए। अगर कोई बड़ा केस मुकदमा चल रहा है तो गिरफ्तारी हो जाए, जुर्माना हो जाए, ऐसी भी संभावना है। राजा से भय है, सरकार से भय है, कोर्ट कचहरी से भय है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा सहनशीलता के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपको अपने से विपरीत लिंग यानी कि अपोजिट जेंडर से पुरुष हैं तो महिला से, महिला हैं तो पुरुष से आपको कष्ट की संभावना है, आपको कष्ट मिल सकता है, आपको नुकसान हो सकता है 14 मई तक सूर्य के कारण। इस समय में खर्च पर में कंट्रोल करने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको बीच बीच में फीवर भी आ सकती है, बुखार लग सकता है, बीपी की समस्या आपको परेशान कर सकती है, और विशेष भय ये है कि कई जगहों पर में आपके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा सकता है, जिससे आपका अंदर तक आत्मा तकलीफ महसूस कर सकता है। यही सूर्य जब कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे तो फिर बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन 14 मई तक आपको सूर्य को दैनिक रूप से जल देना ही देना है, स्नान करके सुबह में, और कोई काम हो ना हो ये आप निश्चित तौर पर में गांठ बांध लें। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में वृषभ राशि में अपने मित्र के घर में सूर्य के बैठने के कारण, और शुक्र जो है सो बैठा हुआ है दशम भाव में, जिस कारण से सूर्य आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि इस समय में 14 मई के बाद आपको भाग्य का कुछ हल्का फल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फल्का साथ मिलेगा। आप अनुभव करेंगे कि भाग्य भरोसे भी हमारा कुछ काम जो है सो आगे बढ़ रहा है, हमारा कुछ काम जो है सो हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। भाग्य के साथ साथ धर्म का भी पालन कर पाएंगे, धर्म के तरफ भी आपका रुझान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म भाग्य के साथ साथ जो है अगर संभव हो पाए तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप तीर्थ यात्रा वगैरह जरूर करें, तीर्थ यात्रा पे जाएं, भगवान का दर्शन करें। थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन जाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। कहते हैं कि धर्म करते हुए अगर हो जाए हानि, फिर भी न छोड़ो धर्म की वाणी, तो निश्चित तौर पर मैं जाएं। नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में 14 मई के बाद ससुराल से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना, कुछ हल्का फुल्का संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य का भी आपको आशीर्वाद मिल सकता है, वहाँ से भी कुछ फायदा आपको मिल सकता है, ऐसी संभावनाएँ हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके जो सपने हैं वो भी पंख के साथ कुछ उड़ने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से 14 मई के बाद छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखेगी आपको। खुद के पराक्रम में वृद्धि अनुभव करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप भी पराक्रमी हैं। देवी और सज्जनों, आपको ऐसा लगेगा कि कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके भुजा में इतनी बल है कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि आप जोश में अपना होश भी खो सकते हैं, जिसके कारण से आप ही का नुकसान भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण गुप्त शत्रु का पोल खुल सकता है, गुप्त शत्रु आपके सामने में आ सकता है, वो कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिसके कारण से आप उसको पकड़ सकते हैं कि यही है वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेशेंस लेवल, धैर्य बड़ा मजबूती के साथ आपका साथ देगा। कई बार ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, फिर अंदर से एक आवाज़ आएगी, नहीं नहीं होगा, अभी करेंगे और समय है, इतना विपरीत समय नहीं, जबकि समय खराब है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं करेंगे, अभी और होगा।
इस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको अंदर से मजबूती प्रदान करेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण सूर्य के गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है, सर्दी, खांसी, जुकाम, जैसे अभी मुझे लग रहा है कि अब सर्दी होगा कुछ समय में, कुछ देर में, आज से लेकर कल तक ऐसा महसूस हो रहा है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आपको भी कन्या राशि वाले इस समय में कुछ परेशान कर सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह का प्रयोग करेंगे ठीक रहेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सूर्य का 14 मई के बाद का रिजल्ट बढ़िया है, 14 मई से पहले का रिजल्ट खराब है जो हमने आपको दर्शाया। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव का मालिक होकर के कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, वो भी 10 मई तक दसम भाव में है और 10 मई तक है, जिसके कारण से ये क्या करेंगे देवी और सज्जनों कि कुंडली के दसम भाव में मंगल के बैठने कारण आप ये अनुभव करेंगे कि पराक्रम को उठा करके डाल दिया कर्म के घर में। आप ये अनुभव करेंगे कि आपका कर्म जो है सो आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आप इस प्रकार से अपने कर्म के प्रति वफादार हैं, इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं 10 मई तक, जो लोगों को भी लगेगा कि ये बड़ा पराक्रमी व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील व्यक्ति है, ऐसा एहसास होगा लोगों को भी। पिता से भी कुछ लाभ लेने का योग बनेगा 10 मई तक, पिता से कुछ लाभ ले पाएंगे, कुछ इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ वृद्धि होने के संकेत मंगल दे रहा है। इतना ही नहीं, मंगल का कुंडली के दसम भाव में बैठना आपके लिए क्या करेगा कि आपका जो कारोबार है, आपका जो काम धंधा है, उसमें भी वृद्धि लाने का प्रयास करेगा। इसका प्रयास रहेगा किसी भी कारण से आपका कारोबार, काम धंधा जो है सो बढ़िया तरीके से चले और आगे बढ़े और फले फूले, ऐसा आपको अनुभूति हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दसम भाव में मंगल का बैठना आपके इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान में भी 10 मई तक मंगल चार चांद लगाने का प्रयास करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करेगा, तो गुस्सा पर में कुछ कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में माँ से लाभ दिलवाने का योग बनेगा। मंगल अपने तरफ से प्रयास करेगा कि आपको सुख दे, आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का भी सुख दे, ऐसा मंगल का जो है सो प्रयास रहेगा। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में है, आप अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे, संतान जिनके पास में है वो संतान का सुख भी भोग पाएंगे और अचानक से कुछ धन लाभ का भी योग बनेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में भी ये मंगल जो है आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 10 मई तक देवी और सज्जनों मंगल अच्छा रिजल्ट देगा। 10 मई के बाद यही मंगल जो है कुंडली के एकादश भाव में है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता था, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है और नीच का ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल जो है सो आपके लिए क्या करेगा, ये जो है सो आपके आमदनी को 10 मई के बाद ब्लॉक करने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से आपकी आमदनी कम हो जाए, आपकी आमदनी को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए, ऐसा मंगल का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में मंगल के पहुंचने के कारण आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि आपकी लाभ में कमी का अनुभव होगा 10 मई के बाद, आपकी उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का एहसास होगा आपको, आपको ऐसा लगेगा देवी और सज्जनों कि जो सीनियर्स का भी जो सपोर्ट चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, उधर से उतना ज़्यादा फायदा नहीं महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ से चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करना चाह रहा है, जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर संतान के साथ भी संबंध को खराब करने का 10 मई के बाद प्रयास करेगा। अपने पास जो ज्ञान है, विद्या बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं लेने देना चाहेगा। और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में दुश्मनों से चाहेगा कि किसी प्रकार से लड़वा दूं, किसी प्रकार से परेशान करवा दूं। मंगल का यह प्रयास रहेगा कि किसी न किसी कारणवश आप परेशानी में फंसे रहें 10 मई के बाद,
और क्या है, और है कि चिंता में डालने का प्रयास करेगा, आपके बुद्धि को जो है सो भ्रमित करने की कोशिश करेगा, कर्ज केस मुकदमा से संबंधित परेशानी में भी आपको डालने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश भाव में, कुंडली के एकादश भाव में पहुंचना मंगल का आपके लिए, और इस भाव पर मैं दृष्टि, पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ देने का आपको प्रयास कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरत के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। संभव हो तो 10 मई के बाद प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, कुंडली के अष्टम भाव में भी बुध का रिजल्ट बढ़िया है। अष्टम भाव में बुध का बैठना, महर्षि का कहना है कि अष्टम भाव में जब गोचर वश बुध आता है तो धन का लाभ देता है, यानी कि धन का लाभ दिया अष्टम भाव में जब बुध आया तो। इतना ही नहीं, महर्षि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में जब बुध आता है तो संतान का भी सुख देता है। अब जिस संतान के सुख में मंगल बाधा उत्पन्न कर रहे थे 10 मई के बाद, बुध पूरा महीना चाहेगा मंगल से लड़ते झगड़ते किसी भी प्रकार से आपको धन का लाभ मिले। किसी भी प्रकार से बुध ये प्रयास करेगा कि आपको संतान का सुख निश्चित तौर पर में प्राप्त हो। देवी और सज्जनों, बुध का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना, महर्षि कहते हैं कि शत्रुओं पर विजय का ये संदेश है। दुश्मन जो परेशान करवाने का मंगल प्रयास कर रहा था, वो चाहेगा बुध कि दुश्मन पर में ठप्पा मार दे, दुश्मन को हरा दे, परास्त कर दे, दुश्मन बहुत ज़्यादा कुछ कर ना पाए, ऐसी स्थिति जो है सो उत्पन्न करेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बुध का पड़ना ये दर्शाता है कि आपको हर कार्य में सफलता के साथ साथ प्रसन्नता दिलाने के लिए भी बुध लड़ेगा बाकी ग्रहों से। लेकिन बुध राजकुमार है, राजा नहीं है, कमज़ोर होता है बुध, इसलिए लड़ेगा भी तो अपने एक शक्ति के मुताबिक ही लड़ सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से टकरा नहीं सकता ये। लेकिन फिर भी जितना ही इसके पास क्षमता है, ये प्रयास करेगा कि आपको आर्थिक तौर पर में भी मजबूत किया जाए, आपको सामाजिक स्थिति के तौर पर में भी मजबूत किया जाए, समाज में भी जो है आपका एक मजबूत पकड़ बनाया जाए, ऐसा बुध का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, बुध हर मामले में प्रयास करेगा बढ़िया रिजल्ट देने का। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के वो भी अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, और अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। महर्षि कहते हैं कि जब गुरु अष्टम भाव में आ जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए, अगर सतर्क नहीं होगे, ऐसे ही चलते रहोगे तो गुरु आपको बंधन में बांध सकता है, आपको जेल भेज सकता है, बंधन में बांध सकता है, आपके परिवार को, आपके मन को शोकाकुल कर सकता है, आपका मन शोक में डूब सकता है, आप रोग आपको परेशान कर सकता है, आप जो है सो रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का तो ये भी कहना है कि कुछ चोर डाकू ये लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं इस महीने में अष्टम भाव में गुरु के पड़ने के कारण। महर्षि का ये भी कहना है कि सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको उधर से भी कुछ समस्याएं जो हैं सो परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में गुरु के बैठने के कारण, करें कठोर वचन बोलने के कारण, इस समय में आप तिरस्कृत हो सकते हैं, इस समय में आपको तिरस्कार किया जा सकता है, कठोर वचन बोलने के कारण जो है सो आप परेशानी में आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने तेज में, आपके संस्कार में, आपके तेजस्विता में आपको खुद ही कमी महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ कम हो गया है। नौकरी तक छूटने की नौबत आ सकती है, नौकरी में भी परेशानी की समस्या जो है, सो आपके सामने में आ सकती है। धन और व्यवसाय में भी देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के अष्टम भाव में पड़ने के कारण इस महीने में भारी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि शारीरिक तौर पर में भी कष्ट आपको मिल सकता है, और अपने देश में कष्टपूर्ण लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है,
और संतान का भी विरोध जो है सो आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। गुरु के लिए अगर संभव हो पाए तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की जरूर पूजा करें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का एक माला संभव हो तो जरूर जाप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दशम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र का कुंडली के दशम भाव में आना कैसा फल देने वाला है उसको देखिए। महर्षि कहते हैं कि जब शुक्र कुंडली के दशम भाव में गोचर बसाता है तो शारीरिक तौर पर में पीड़ा देता है, वो हेल्थ वाइज परेशान करता है, दुख देता है, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, मेंटली तौर पर में आप कुछ डिस्टर्ब हो सकते हो। देवी और सज्जनों, धन की हानि आपको परेशान कर सकती है शुक्र के कारण। नौकरी और व्यवसाय में भी विभिन्न प्रकार के विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं शुक्र के कारण। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु इस समय में परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्यों में सफलता के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। जन साधारण का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। अपने से अपोजिट जेंडर के माध्यम से भी कुछ दुख उठाना पड़ सकता है। सगे संबंधियों से अनबन हो सकती है। समाज की तरफ से भी परेशानी का योग बन सकता है, यानी कि शुक्र जो है सो आपको परेशान कर सकता है। शुक्र के लिए संभव हो तो शुक्रवार के दिन उजले चीज़ों का दान करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जैसे कि दूध दही इत्यादि। शनि जो है कुंडली के अष्टम छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठे भाव में बैठा हुआ शनि आपके लिए जो है सो अच्छा फल देगा। और कुंभ राशि में भी बैठा हुआ है और छठे भाव में भी बैठा हुआ है तो गोचर का शनि जब छठे भाव में आता है तो बढ़िया फल देता है। जैसे कि शनि के छठे भाव में आने के कारण आपको धन प्राप्ति का योग बनता है, आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको अन्न का प्राप्ति होता है, आपके सुख में शनि जो है सो वृद्धि करने का प्रयास करता है। देवी और सज्जनों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जमीन मकान आदि से संबंधित सुख प्राप्ति का भी शनि योग बनाता है, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने की कोशिश करता है और प्रेमी प्रेमिका स्त्री पुरुष के साथ वक्त बिताने का, समय बिताने का, भोग करने का भी आपको मौका मिलता है। यानी कि शनि का फल कुंडली के छठे भाव में बढ़िया है। बात करेंगे शनि के बाद राहु की। देवी और सज्जनों, राहु कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में राहु का बैठना ये दर्शाता है कि अकस्मात अचानक से रैंडम कहीं से धन लाभ का योग बनता है आपके लिए, परंतु विदेश यात्रा के साथ साथ भयंकर रोग की संभावना भी बनती है। ये अष्टम भाव में जब तक राहु बैठा हुआ है पैसे तो आएंगे, हो सकता है घर छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है किसी दूसरे राज्य किसी दूसरे देश में, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ वाइज सो बीमारी की भी संभावना को ये जीवित करता है। बात करेंगे केतु की। केतु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, ये भी आपके लिए धन प्राप्ति का रैंडम योग बनाता है, अचानक से पैसे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केतु बैठने कारण आपको आँख से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है, तो सावधान रहें। तो यही थी कन्या राशि वालों के लिए मई 2023 की राशिफल, जो बड़ा उतार चढ़ाव अप एंड डाउन से भरा हुआ है। ये समय ना ही कहेंगे कि बहुत अच्छा है ना ही बहुत खराब है, मिला जुला करके उतार चढ़ाव संघर्षशील समय है ये। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का कल्याण हो।